अच्छा मोनालिसा, ऐसा है कि डायन की कहानियाँ जो हैं हमने अपनी पौराणिक कहानियों में भी, अपने इतिहास में भी सुनी हुई है। श्री कृष्ण के टाइम पर भी डायन आती थी भेस बदल के, लेकिन ये जानना चाहेंगे ये वाली डायन भी भेस बदलती है कि ये इनका परमानेंट रूप है? खूबसूरत सा, ये खूबसूरत सा एकदम परमानेंट लुक है वही, कि मतलब किसी को पता नहीं चलेगा कि ये डायन है, और जब पता चलेगा तो बहुत लेट हो जाएगा। तो और डायन का ये जो चोटी है ना, ये उनका सिग्नेचर स्टाइल है। अच्छा, ये चोटी थोड़ी लंबी है सीरियल में, यूं घुमा के। बिल्कुल बिल्कुल, वो VFX में बहुत अच्छे से किया गया है, और वो सारा अपने चोटी में सबको घुमाती है, एंड एवरीथिंग यू नो फ्लावर्स ऐसे जल जाते हैं, सब डिस्ट्रॉय हो जाता है, मतलब बर्ड्स गिर जाते हैं, मर जाते हैं। सो मतलब प्रोमो में भी देखा होगा। तो मुझे लग रहा है अब ना घर जाके सब लोग अपने, जिनके भी खूबसूरत लंबे बालों के, थैंकफुली मेरे छोटे, सबके छोटे कटवा देंगे। भैया ये बालों का राज इज टू मच टू हैंडल। सबको बहुत पसंद आने वाली है, इट्स वेरी एंटरटेनिंग, लाइक इट विल एंटरटेन पीपल लाइक एनीथिंग, बिकॉज इट्स लाइक ट्वाइलाइट एंड वैम्पायर डायरीज। क्या बात है, मतलब कि तैयार रहिएगा, ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग भूत की कहानी है। वैसे हम भूत प्रेत की बातें सारा दिन कर सकते हैं, लेकिन आज का दिन बिताते हैं कि उनके साथ, भाई आयत के साथ। ये वही है मरियम की बुआ जी, अ डे आउट। हेलो, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, मैं हूँ मानसी शर्मा, आप मुझे देख रहे हैं मरियम खान में एज आयत। अभी आयत क्या करती है पूरा दिन, कैसे दिन बिताती है, वो आज आप देखेंगे। दो आई एम अ वेरी सिंपल काइंड ऑफ पर्सन, देसी, फुल ऑन देसी कह सकते हैं आप। तो पहले तो मैं जिम जा रही हूँ, जिम भी कसरत बोलूँगी मैं करने, ये नहीं कि ओ माई गॉड आई वांट टू लुक फिट टाइप्स, फुल ऑन देसी बंदा, फुल बॉडी शॉडी बनाने, यू कैन सी माय टाइम, इसमें मैं थोड़ी फैशनेबल। मेरे हस्बैंड को मैं यही बोलती हूँ, मैं रिक्शा में चली जाऊँ थोड़ी देर के, लाइक वाई, क्योंकि जो खुली हवा का मजा है वो बंद एसी में नहीं है। अभी हम पहुँचे हैं बॉडी हॉलिक्स, मतलब बॉडी बनाने के लिए। सो अभी मैं वर्कआउट शुरू करने वाली हूँ, तो आप देखिए। I love doing weight training, but अभी जैसे morning में आपका shoot time है तो आपके पास time कम होता है, so जितना time मिले, अगर मेरा late है call time तो I prefer कि मैं gym आ जाऊँ।
मोस्टली यही होता है, आप शूट पे जल्दी उठ जाते हो और खाए पिए बिना आप जा सकते हो, तो इसलिए पूजा भी हो सकती है। सो फ्राइडे के दिन मैंने फास्ट रखना शुरू किया। अगर आप शूट कर रहे हो तो आप फास्ट नहीं रख पाते, बट इट्स ओके, मैंने पूजा की। अभी जोत जलाई है, हमारे पंजाबियों में कहते हैं शुद्ध देसी घी की जोत जलाओ, माता रानी को इम्प्रेस करो। शूट जाने के लिए मैं रेडी हो चुकी हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाऊंगी मेरा घर, फिर हम जाएंगे शूट पर। अब ये देख लीजिए आप, छोटा सा सबसे फेवरेट चीज़ मेरी ये है, मैं अपनी फेवरेट हूँ, इसी से पता चलता है। ये है जो मेरी जिंदगी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ माई लाइफ, जिसके बिना मेरी जिंदगी अधूरी है, सैनिटाइजर। लोग कहते हैं खाने के बिना नहीं रह जाता, मुझे लगता है मैं सैनिटाइजर के बिना नहीं रह सकती। अभी तो आधी चीज़ें तो मैं नहीं दिखा पा रही हूँ, जो मेन बाहर है मैं वही दिखा देती हूँ। ये है, और अंदर भी है जो फुल भरे पड़े हैं, और एक बाहर है जो जाना पड़ता है। तो फेवरेट मतलब सब कुछ पहनने के बाद आ जाके मैं एनी चप्पल्स में कंफर्टेबल रहती हूँ। आप दिखाऊंगी मैं आपको अपना रूम छोटू सा। पहले ये स्टे फोकस्ड, ये इसका नाम मैंने बर्फी रखा है, जो मेरे साथ दुख सुख बांटती है, और ये मैं अपने हस्बैंड को बोलती हूँ, हम दोनों हैं। सो ये साथ में ही रहते हैं, भले ही यहाँ से ज़्यादा सामान ना हो, ये चीज़ मैं हमेशा ले लेके घूमती हूँ साथ में। ये है अमीना दीदी, मतलब हम लोग घर से बाहर आते हैं तो हम कहते हैं ना माँ नहीं है तो क्या करेंगे, यही हमारी टेक केयर करते हैं। छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान, खाना, नाश्ता, चाय, पानी, कपड़े उठाना, कपड़े धोना, मतलब हम लोग तो फ्री हैं, हम इन्हीं के भरोसे यहाँ पर जिंदा हैं। और वैसे जो अभी हम टेस्टी सा नाश्ता करने वाले हैं, शेफ यहीं पर हैं, आप देख सकते हैं साक्षात। इंडस्ट्री में आना प्लान नहीं था बिल्कुल, बिकॉज मेरी फैमिली में मेरे फादर एयरफोर्स से हैं, मम्मा हाउस मेकर हैं, अब जिनसे शादी हुई है मतलब वो भी सिंगर ही हैं, बट इस लाइन में अनएक्सपेक्टेड था। मैंने MBA किया HR फाइनेंस में, मैं एयरटेल में जॉब कर रही थी, देन शिफ्ट हुई दिल्ली में, वहाँ विप्रो में जॉब किया, फिर लगा कि आर्मी ज्वाइन करना था पहले, जो मैंने NCC किया, सी सर्टिफिकेट एग्रेड से, मेरे सारे फ्रेंड्स आर्मी में लेफ्टिनेंट हैं। फिर मैं जब आई बॉम्बे तो मुझे महाभारत साइन किया था मैंने, महाभारत के बाद आसमां से आगे मिला, दो मैंने साइन महाभारत पहले किया था, लेकिन शूट मेरा आसमां से आगे का पहले शुरू। जैसे ही गाड़ी में बैठते हैं तो सबसे पहला मेरा जो काम होता है, मैं आपको बताती हूँ क्या है वो, मेरी मॉम को मैं कॉल करती हूँ सबसे पहले, मेरी ये जम्मू के मॉम और मदर इन लॉ दोनों, तो अभी मदर इन लॉ तो ठीक है बट फिर भी मैं उनको ट्राई करूँगी, अगर वो कभी उठा लें तो ठीक है। हेलो, हाँ जी अम्मी, हाँ जी मैं तो अड्डा कॉल, हजे इंटरव्यू चल रहा है, तो सब तो पहले मैं किन्नू कॉल कर दिया, मैं ओ लगाया, तो मैं पंजाबी में ये बोल रही हूँ कि मेरा इंटरव्यू चल रहा है और मैं बता रही हूँ कि सबसे पहले मैं कॉल किसे कर रही हूँ, तो देखो मैं आप ही को कर रही हूँ। एक मिनट रुको, मैं स्पीकर ते ला रही हूँ। हाँ जी, तुसी भी सत श्री अकाल कर दो हुण सारे, नमस्ते। ठीक है, मैं भी बस निकली थी, मैं क्या फोन करा, चलो फिर मैं आराम ना गल करूंगी तुहाडे नाल, ठीक है, ओके। और मेरी जो दादी सास है, मैं आपको वीडियोस दिखाऊंगी उनके, शी इज सो क्यूट। इसमें ये बता रहे कि मेरी आवाज कोयल जैसी थी जब मैं अपने टाइम पे गाती थी। अभी मैं इनका गिद्दा दिखाऊंगी, Thank you.
आधी रात को भी इनका दिल करेगा ना, बोलेगी चलो मेरे साथ डांस करो. शी इज 90, शी इज इन 90s, बट स्टिल उनकी जैसी एनर्जी किसी में नहीं हो सकती. अभी आप देख रहे हैं कि मैं मानसी से आयत बन चुकी हूँ. फुल हल्दी के लिए मैं रेडी हो चुकी हूँ. ये पिंक नियॉन पिंक कलर मुझे दिया है ताकि मैं चमकती हुई आगे दिखूँ. ये था मेरा आज का दिन. आपने देखा मैं शुरुआत कैसे करती हूँ, उसके बाद मेरी फैमिली के बारे में जाना, मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में जाना और शूट लाइफ कैसे होती है हम लोग की, आपने सब देखा. और आप जान सकते हैं कि हम आर्टिस्ट लोग भी बहुत नॉर्मल लाइफ वाले होते हैं, कि हम लोगों की भी डेली लाइफ में क्या चल रहा है सेम ही है. बस यही है कि कैमरे के आगे हम कुछ और कैरेक्टर प्ले करते हैं, बट रियल लाइफ में हम भी नॉर्मल पीपल ही हैं. दैट्स इट. थैंक यू. बाय. ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे.